हेलो फ्रेंड्स, इट्स ज्योति हियर। हाउ आर यू ऑल? होप आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मेरे पास एक पुरानी क्लॉक थी जिसको मैं एक मिनी एक्वेरियम के डेकोर में कन्वर्ट करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और कीप वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने ये पुरानी क्लॉक ली है जिसके ऊपर मैंने ये कार्डबोर्ड पेस्ट कर दिया है। अब हम इसमें एक टेक्सचर पेस्ट करेंगे जो कि मैंने पीओपी वाटर और फेविकॉल की मदद से बनाया है। इसका रेशियो 1:1:1 है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम इसको इस कार्डबोर्ड पे लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा ऐसा लगा लिया है। अब हम इसको ड्राई होने के लिए, अब जब तक वो ड्राई हो रहा है तब तक हम क्ले से फिश बना लेते हैं। फिश बनानी बहुत इजी है, बस ऐसे ऐसे करना है हमने लाइक दिस। फिर ये टेल का पोर्शन, फिर ये ऐसे फिन बना दिया और ये माउथ का शेप। फिर ऐसे हैंड से प्रेस कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी है फिश बनाना। ऐसे हमें बहुत सारी, मतलब जितना हमें इसमें पेस्ट करना है अपने हिसाब से बना लेनी है। ये अब ड्राई हो चुकी है, अब हम इसको पेंट करेंगे। मैं रेड कलर ले रही हूं। अब मैं ब्लैक लूंगी और इस पे छोटे छोटे ऐसे डॉट्स कर देंगे। इसकी आईज ऐसे बना लेंगे। इसके फिन में भी मैं थोड़ा सा ब्लैक शेड दे दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी ब्यूटीफुल फिश बनी है हमारी। हमें ऐसे ही फिश बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सूख गया है। अब मैंने ये व्हाइट एंड ब्लू कलर को दोनों को मिक्स करके ये वाला शेड तैयार किया है। हमें एक वाटर का इफेक्ट देना है। अब हम इस पे पेंट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको पूरा कर दिया है। अब मैं ये डार्क शेड ब्लू का लूंगी और इसको एक वाटरी इफेक्ट देने के लिए
ऐसे हम स्ट्रोक्स कर देंगे। अब मैं ये सिल्वर कलर ले रही हूं, उसका भी हम थोड़ा सा ऐसे स्ट्रोक लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसे फिश बना ली है। अब हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ये मेरे पास कुछ आर्टिफिशियल ग्रास है, मैं फेविबॉन्ड यूज कर रही हूं इसको पेस्ट करने के लिए। ऐसे हम सारे में ग्रास चिपका देंगे। फिर ये जो हमारी फिश है उसको भी हम ऐसे और ऐसे पेस्ट कर देंगे। ऐसे हमने इसको पूरा पेस्ट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सो पीस तैयार हो चुका है। इसमें मैंने स्मॉल स्मॉल फिश चिपका दिए। यहाँ मैंने एक स्टार फिश भी बना के पेस्ट की है। ये मैंने क्ले के राउंड बना के फिर उसको ब्लैक कलर करके एक स्टोन का इफेक्ट भी दिया है। और देखिए कितना खूबसूरत बना है ये हमारा। ये मैंने एक ओल्ड क्लॉक को हमने एक बहुत खूबसूरत डेकोर पीस में कन्वर्ट कर दिया है। होप आप सबको अच्छा लगा होगा।